जो हुआ बहुत गलत हुआ, गलती हमारी थी, हमें अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा है। पृथ्वी तुम बहुत अजीब हो, मैं उस टॉपिक को कब का खत्म कर चुकी और तुम हो कि दोबारा उसी कुरेद रहे। पापा ने मुझे बताया कि तुम किन परेशानियों से गुजर रहे हो, पर हम कितने दिनों बाद मिले, क्या हम दो पलों के लिए अपनी सारी परेशानियां नहीं भूल सकते? अरे ये छोटा कैसे हो गया, मैं तो तुम्हारे साइज का लेकर आई थी। ये स्वेटर सिकुड़ गया है या फिर तुम फैल गए हो? कभी कभी आपका अंदाजा गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अरे ऐसे कैसे हो जाता है, लगता है दुकानदार ने दिखाया कुछ और था और पैक कुछ और किया। नहीं वहां के लोग बहुत ईमानदार हैं, लगता है मैंने ही गलती से गलत साइज ले लिया होगा। कभी कभी गलत फहमी को बेईमानी मान लिया जाता है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। तुम कब से इतने फिलोसफिकल हो गए? जानते हो हाँ मैंने जो देखा मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि कितने खतरनाक हालात थे। कई बार ऐसे लगा जैसे मैं कभी तुमसे, पापा से और दादी से नहीं मिल पाऊंगी। ऐसा कहना तो क्या, कभी सोचना भी मत। कुछ नहीं होगा तुम्हें, वहां आंखों के सामने हर वक्त मौत मंडराती रहती, सब मेरी तरह किस्मत वाले नहीं है जो अपने अपने घर वापस जा सके। मुझे बहुत खुशी कि तुम सही सलामत वापस आ गए। ईश्वर का लाख लाख शुक्र कि मैं तुम्हारे पास वापस आ सकी। ईश्वर का शुक्रिया अदा करने की इतनी जल्दबाजी मत करो, सारी मुसीबत की जड़ ईश्वर ही है। तुम क्या कह रहे हो, वो दुनिया कहती है ना जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, तो ये दुर्घटना भी की मर्जी से हुई। यहां बैठकर बातें करना बहुत आसान है, तुम वहां नहीं थे, तुम नहीं जानते वहां क्या क्या हुआ। मैंने देखा कितनी लोगों की जाने गई, किसी की मां, किसी की बहन, किसी के पिता तो किसी का भाई।
क्या बदतमीजी है? बदतमीज, ये खुद ही देख लीजिए। तस्वीर इतनी भारी भी नहीं कि उसे उठाने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़े। हाथ रखो तो चीख तो निकलती ही है ना ईश्वर। अपनी और अपने भाई की तस्वीर को बेइज्जत होते देख पाओगे? अब आएगी असलियत सामने। है शालू जी, ये तस्वीर कहीं से गिरी है या इसे फेंका गया? फेंकाया हूं। नफरत करते हैं हम इस तस्वीर से। नफरत तस्वीरों से नहीं, उनमें दिखते लोगों से हुआ करती है। और नफरत कभी बेवजह नहीं होती। तस्वीर तो सिर्फ यादें होती है। और जिन यादों से नफरत हो जाए उन्हें खुद से दूरी रखना चाहिए। अच्छा किया जो आपने इसे फेंक दिया। लेकिन अब तक इसे क्यों संभाल के रखा? कुछ तस्वीरें होती जो कि अपने जख्मों को ताजा करने के लिए रखी जाती है। सोचिए, जब हम इस तस्वीर से इतनी नफरत करते हैं तो जब ये तस्वीर वाला शख्स हमारे सामने आएगा तो हम क्या करेंगे? उसकी खाल उधेड़ के उसमें भूसा भर देंगे। अभी के अभी। ठीक है, आपकी तस्वीर, आपका जख्म कुरेदना है, भरना है, आपकी मर्जी। हमें इसे काले न देना। रुकिए तो सही अर्जुन जी, देखिए तो सही अर्जुन जी, इस तस्वीर का हमने क्या किया है? आपकी दी हुई नसीहत पर ही अमल कर रही। सोच, नफरत देने वालों की तस्वीर का ये हाल कर सकती है, जला के रख सकती है। ये इंसान अगर हमारे सामने आ जाए तब इसका हम क्या हाल करेंगे?
नफरत कीजिए शालू जी, जम के नफरत कीजिए, लेकिन ये नफरत की आग अपने ही घर में मत जलाइए। धुआं फैल गया तो दम घुट जाएगा। क्या समझे? नहीं समझे? जिंदगी से बहुत थक गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पहले मैंने अपना जवान बेटा खो दिया, उसके बाद हमारा सारा बिजनेस, हमारा सारा कारोबार बर्बाद हो गया, और आज हालत यह है मां कि कोई मुझे नौकरी तक देने को तैयार नहीं। आज मुझे एक सहारे की जरूरत है। जानती हूँ बेटा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा वो सहारा है पृथ्वी। लेकिन एक बात कहो बेटा, पृथ्वी की वापसी के लिए मैं घर में एक ग्रह शांति पूजा करवाना चाहती हूँ। हाँ माँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन माँ हमारा पृथ्वी तो भगवान में मानता ही नहीं, फिर वो पूजा में कैसे बैठेगा? भगवान के नाते ना सही, लेकिन हमारे लिए पूजा में जरूर बैठेगा। बेटा, शालू ने पृथ्वी की बहुत मदद की है, इसलिए शालू का कहा वो नहीं टालेगा। एक काम करो बेटा, तुम शालू से बात करो। हाँ मां, शायद यही ठीक रहेगा, लेकिन उससे पहले मुझे पृथ्वी से एक और जरूरी बात करनी है। पृथ्वी, पृथ्वी को अचानक हो क्या जाता है? ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है वो, बिल्कुल उस पहले वाले गांव जैसा पृथ्वी हो गया। पिताजी, आपने बुलाया था? अरे पृथ्वी बेटा, तुम आ गए। बेटा, अब मेरी उम्र होती जा रही है, अब मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, तुम्हारे मजबूत कंधों की जरूरत है। बेटा, मैं बिजनेस को नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए पृथ्वी। नहीं पापा, ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी नहीं है। We'll be right back.
दुनिया की नजरों में ये पृथ्वी नहीं अर्जुन है। और अगर इस वक्त वो आपके साथ काम पर गया तो सबको पता चल जाएगा कि ये पृथ्वी ही है। और फिर आगे क्या होगा ये आप जानते हैं। मैं जानता हूं बेटा, लेकिन मैं अपने घर की मुसीबतों को नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकता। और इसके अलावा मेरा है ही कौन? के सर से इल्जामों का बोझ उतार कर बिजनेस का बोझ डाल सकूं तो इसी उम्मीद का सहारा। आप उम्मीद मत छोड़िए पिताजी, सहारा नहीं छूटेगा। थैंक यू बेटा। अब अच्छा बेटा मैं चलता हूं। वो मैंने एक बैंक में बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया था, देखें क्या होता है। अच्छा मेरा बेटा, ऐसे कहाँ घूर रही हूँ मैं।